بسم الله الرحمن الرحيم. ये हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से मनकूल है कि जिन जिन्नात शयातीन भूत प्रेत खबीस के असरात से बचने के लिए ये तावीज़ इसे नकल करके इसे बना के या किसी अच्छे आमिल से बनवा के जो मुत्तकी हो परहेज़गार हो जो तावीज़ को उसूल के साथ लिखे उसे ये तावीज़ लिखवा के उसे गले में डाल लेते इंशाल्लाह ताला तमाम किस्म के असरात से जादू जिन्नात शयातीन के असरात से वो महफूज रहेगा। वो तावीज़ लिख के बता रहा हूँ आपको तावीज़ लिखना कैसे है उसका वो नक्श क्या है। सबसे पहले आपको 786 ये 16 खाना तैयार हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले पहले खाना में तरतीब आप ध्यान दीजिएगा कि खाना कहाँ से भरना है, फिर दोबारा दूसरे नंबर किस खाने में, तीसरे नंबर किस खाने में, वो ध्यान देते हुए उसी हिसाब से यानी कि नक्श भरने की चाल क्या है आपको देखिए उसी हिसाब से नक्श भरा जाएगा। छप्पन हज़ार 810 दूसरा नंबर पे इस खाने भरेंगे 56,811 फिर इस तीसरे खाना भरेंगे 56,812 चौथे नंबर पे इस खाने में भरेंगे 56,813 पाँचवें नंबर पे 56,814 छठे नंबर पे 56,815 फिर 56,816 फिर 56,817 फिर 56,818 फिर 56,819 56,820 फिर 56,821 56,800 अब 21 के बाद इसमें 22 नहीं भरेंगे बल्कि 21 के बाद इसमें 23 भरेंगे इसमें कस रहे हैं 23 56,824 25 56,826 तो पहले नंबर पे देखिए एक नंबर ये है एक 56,810 56,811 ये दो नंबर ये तीन नंबर ये चार नंबर ये पांच नंबर छः नंबर
सात नंबर, आठ नंबर, फिर ये नौ नंबर, फिर ये दस नंबर, फिर ग्यारह नंबर, फिर बारह नंबर, तेरह नंबर, फिर चौदह नंबर, पंद्रह नंबर, फिर सोलह नंबर। तो ये नक्श भरने की चाल ही है, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, 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 फिर 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 इसमें, लास्ट में। तो जब ये उसूल के हिसाब से जब आप नक्श को तैयार कर लेंगे, तो इस नक्श की बरकत यह है कि सरकार मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि इस नक्श की बरकत यह है कि इस नक्श को जो अच्छे से लिख लेगा और या किसी अच्छे आमिल से लिखवा के अगर इसे गले में पहनेगा, तो इंशाल्लाह तमाम किस्म के असरात से, शयातीन से, जिन्नात से वो महफूज रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस तावीज़ के तमाम फ़ैज़ बरकात से सभी को मुस्तफ़िज़ होने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपको जादू जिन्नात शयातीन के असरात से अगर हमेशा के लिए अगर निजात पानी हो, तो एक दरवाज़ा है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आता, एक दर है, वो दर है तारिकुस सल्तनत महबूब वज़दानी क़ुदरतुल कुबरा हज़रत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की छौछा शरीफ। की छौछा शरीफ एक बार आप आइए मखदूम अशरफ की बारगाह में, तीन दिन, सात दिन, इक्कीस दिन या चालीस दिन के एक बार एक चिल्ला सिर्फ कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला सरकार मखदूम पाक हमेशा हमेशा के लिए आपको निजात अता फरमा देंगे, जादू जिन्नात शयातीन को हमेशा के लिए क़ैद कर लेंगे या फिर कत्ल फरमा देंगे। तो अगर आप ज़िंदगी भर के लिए अगर निजात चाहते हों, तो किशोर शरीफ की हाज़िरी दें। अल्लाह ताला आप सबको किशोर शरीफ के दर की ज़्यारत कराए। और अगर आपको यहाँ का एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस मखदूम पाक की बारगाह का बहुत आसान है, आप किशोर शरीफ के लिए किसी से पूछ सकते हैं। किशोर शरीफ यूपी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर में। कहीं से भी आप अकबरपुर रेलवे स्टेशन के लिए टिकट बनाएँ, वहाँ से सीधा दरगाह किशोर शरीफ आप आ जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।